अच्छा, मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव हो रहा हूँ रिसेंटली, तो मैंने नोटिस किया है काफ़ी लोग मिसगाइडेडली हिटलर को सॉर्ट ऑफ प्रेस कर रहे हैं, इंस्पिरेशन के थ्रू देख रहे हैं कि उसने जो किया अच्छा किया, उसको सही तरह करना चाहिए था प्रॉपरली। तो ये आप क्या कहेंगे इस इन मिसगाइडेड यूथ को? मैं मिसगाइडेड पहले नहीं कहूँगा इनको, मैं दे आर जस्ट अपसेट एंड आई अंडरस्टैंड वाई दे आर अपसेट, और इनकी अपसेट होना इनके ईमान की निशानी, क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो कम है, जिनके कान पे जू नहीं रंग रही। इट्स बिजनेस फॉर यूजुअल एज यूजुअल फॉर देम, दे डोंट केयर यू नो वट एवर ब्ला ब्ला ब्ला, अल्लाह उनको खड़ा करे। लेकिन जो लोग ये वाला काम बात कर रहे हैं वो मिसगाइडेड नहीं है, वो बस कोशिश कर रहे हैं। वेल, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, हिटलर ने जो ज्यूस के साथ किया था वो था मैसेकर, और ये गलत है। और हिटलर ने जो दूसरा गलत काम किया था वो एक ऐसे, उसने अपने लोगों को मारा था, उस वक्त ज्यूज उनके उसके अंडर थे, और फिर उसने जहां जगह जगह जाके ज्यूज ज्यू फैमिलीज को मारना शुरू कर दिया था। वो कंबैटेंट्स को नहीं मारता था, वो आम ज्यूज को मारता था। या तो ये होना कि आप यू पिक समबडी योर ओन साइज, आप अपने साइज के लोगों से, फिर वो रशिया गया, फिर पिट गया ना, जब उसने ओवर स्ट्रेच की अपनी गुरूर को या अपने जो भी नेशनलिस्टिक एम्बिशंस थी उसको, जब उसने ओवर स्ट्रेच किया तो वो फिर हार गया। और वो फिर आज कौन, आज हिटलर पे सब मेरा ख्याल लानत ही भेजते हैं। वॉट ही डिड इज रॉन्ग, उसने ज्यूस को एक्सटर्मिनेट किया, उसने उनका उनका जेनोसाइड किया, ये बिल्कुल गलत किया, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वैसे जैसे आज जो इसराइल कर रहा है मुसलमानों के साथ, वो भी बिल्कुल ही गलत है, निहत्ते हैं वो। ये माइंडसेट है, गलत माइंडसेट है बेटे, ये माइंडसेट गलत है। हिटलर ने जो किया गलत है, और ज्यूज जो आज कर रहे हैं वो हिटलर की ही सुन्नत फॉलो कर रहे हैं, वो भी गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं। इनके तरीके हैं, फौजें फौजों से लड़ती हैं, फौजें पॉपुलेशन से नहीं लड़ती, पॉपुलेशन फौजों से नहीं लड़ती, फौजें फौजों से लड़ती हैं। हमारी आर्मीज शुड फाइट देयर आर्मी, दिस इज द सोल्यूशन, नॉट एनीथिंग एल्स। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लोग आजकल काफ़ी बोल रहे हैं, कुछ लोग प्रॉब्ली कॉन्ट्रोवर्शियल समझेंगे इस क्वेश्चन को मे बी, बट फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जो पाकिस्तान बैठे हैं वो कहते हैं कि सऊदी अरब को कुछ करना चाहिए, जो उधर बैठे हैं वो कहते हैं टर्की को कुछ करना चाहिए। ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन कर रहे हैं, खुद नहीं कर रहे, देर नॉट सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे, तो इसका क्या आप कहेंगे? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक इसमें पॉइंट ये है कि ये जो पैकेट आगे जा रहा है कि आप ये पैकेट एक्चुअली इनका है, ये मेरे लिए नहीं था, ये इनका काम है, ये उनका काम है, ये मुनाफिकत की निशानी है, ठीक है ना। ये रूलर्स मुनाफिक हैं, इनका कोई काम नहीं है इस सोल्यूशन से जो इसका एक्चुअल सोल्यूशन है। और अगर सिर्फ लिप सर्विस देना ही इनफ होता तो जो मदीना में मुनाफिक थे, ये लोग तो उनकी उन मुनाफिकीन की लैंग्वेज तक भी नहीं पहुंच सकते। ये इतने निकम्मे हैं कि वो जो फ्लावरी लैंग्वेज मुनाफिकीन बोलते थे कि ट्रस्ट अस, हम लोग आप जैसे ही हैं और हम लोग बिल्कुल सिंसियर हैं आप लोगों के साथ। ये मुनाफिक कुरान की आयतें भरी पड़ी हैं, मुनाफिकीन को अल्लाह सुब्हान तआला एक्सपोज कर रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, बिकॉज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू टेक इट ऑन फेस वैल्यू, ही यूज्ड टू एक्सेप्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन फेस वैल्यू ऑफ दिस मुनाफिकीन। इतने जबरदस्त वो बोलते थे, इतनी इतने कन्विंसिंग होते थे। तो व्हेन यू सी द स्टेटमेंट्स कमिंग आउट ऑफ मुसलमानों के जो इस वक्त दीज हुक्मरान हैं, जो जैसे आपने कहा कि एक दूसरे के ऊपर वो ये बारियां लगा रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होना, क्योंकि बातें, टॉक इज चीप, बातें करना सबसे आसान काम है, इनका काम नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब हमेशा वो मानव होने की कोशिश करते हैं, उन्होंने एक वन अपशिप एक इसमें ये भी की कि जी एक अलग अलग, वैसे बात उसने ये वाली बिल्कुल सही की है, उन्होंने ये फरमाया है अभी आज ही फरमाया है कि अलग अलग ममालिक कुछ नहीं कर सकते, ये सारे मिल के कर सकते हैं, बिल्कुल ये यही सोल्यूशन है, ये सारे मिल के ही कर सकते हैं। लेकिन इन तेलों में तेल नहीं है, ये लोग आपस में मिलेंगे, खानों पे मिलेंगे, ट्रीटीज पे मिलेंगे, ये साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह वगैरह, ये ट्रेड बात करेंगे, इकोनॉमी बात करेंगे, ये मुसलमानों के जो जलते हुए प्रॉब्लम्स हैं ना उन पे बात नहीं करेंगे, उन पे सिर्फ लिप सर्विस करेंगे। डू यू थिंक दे आर एस्केपिंग द रियलिटी, बस ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे लोग खुश होते हैं और उसके बाद एक्सपेक्ट पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट? बिल्कुल
part of the part of this thing is to dupe the people, but the bigger part is they're part of it. They're part of the problem. Ab Egypt ki standing army, Jordan ki, Turkey ki standing army is more than enough. Bete, ek statistic hai, without exaggeration, ki if the Arabs in number surrounding this place called Israel, illegitimate state of Israel, जो उसके अरब सराउंडिंग स्टेट्स हैं, अगर वो एक हाफ अ बकेट और मे बी अ बकेट ऑफ वाटर डाल दें, एक एक बंदा लिटरली इसराइल डूब जाएगा. इसराइल फिजिकली डूब जाएगा. इसराइल की ये रियलिटी है. और ये माउस बने होते हैं इसराइल के सामने, दे आर लायर्स. और इसराइल एक जगह पे, मैंने लुकअप किया है, एक जगह पे इट्स जस्ट 10 kilometers इन विड्थ. 10 kilometers, यानी हम जहां बैठे हुए हैं यहां से 10 kilometers एयरपोर्ट होगा. इतनी ब्रिथ है. आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है, इसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं. कंट्रीज की स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिनकी ज्यादा होती है ना, उनको हराना मुश्किल होता है, उनको टेक ऑन भी करना मिलिटरली मुश्किल होता है. इसराइल की एक जगह ब्रिथ इज ओनली 10 kilometers. और हमें बताया जाता है कि या अल्लाह 6 मिनट में हारे हैं ये, 6 दिन में, वो हमारा मजाक बना हुआ है, 6 दिन में हमने हार के दिखाया इसराइल से. मैं तो उसको इस तरह वर्ड करूंगा क्योंकि ऐसा ही है. गोलान हाइट्स पे वॉर हुई थी 60s में, उस पे हमने हार के दिखाया था कि देखो हम कितनी जल्दी हारते हैं. जब ये बात करते हैं कुछ लोगों से जो डिफेंड करते हैं कि हमें नहीं वॉर करनी चाहिए, वो लोग फिर कहते हैं कि इसराइल अकेला तो नहीं है, इनके पीछे अमेरिका है, ये बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो लोग इससे डर रहे हैं, इनको क्या कहेंगे? इसका सिंपल सा जवाब कुरान की आयत है. और कुरान की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें, आपका जो सवाल है लिटरली उसका जवाब दे रहे हैं. उनकी आयत में ये है कि ये लोग आपस में, इनके दिल जुड़े हुए नहीं हैं, इनके सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं. और जब यू टेक ऑन वन ऑफ देम, सो यू टेक ऑन द ज्यूज, द क्रिश्चियंस एंड द अदर्स विल ओनली जॉइन द ज्यू इन द डिफेंस ऑफ द ज्यूज इफ इट सूट्स देम. सेल्फ इंटरेस्ट, आई एम नॉट सेइंग इट, द रब्बुल कायनात इज सेइंग इट. इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, मिलिटरिटी. जैसे मैंने पहले कहा कि फौजें फौजों से फाइट करती हैं, इंडिविजुअल्स फौज से फाइट नहीं करते. फौज को इंडिविजुअल से फाइट नहीं करनी चाहिए, फौजें फौजों से फाइट करती हैं. तो वो जो पैलेस्टाइन में पुकार रहे हैं ना हमें, और टर्की को और पाकिस्तान को, जॉर्डन और इजिप्ट को मगर पुकार भी नहीं रहे, उन्हें पता है जो दो सही, आई यूज योर वर्ड्स, नर हैं आर्मी वाइज, पाकिस्तान टॉप, ठीक है ना, जितनी भी ये जो वेस्ट में जो मशकें होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं, पाकिस्तान कम्स ऑन टॉप. हमारे स्पेशल फोर्सेज आर ऑन टॉप. आप यकीन करें, इसराइल हमारी स्पेशल फोर्सेज की मार है. SSG हमारी प्राइड है. SSG ओवररन कर सकती है इसराइल को, एक प्रॉपर प्लान करके तरीके से. अगर टर्की थोड़ा सपोर्ट कर दे, इंटेलिजेंस वो प्रोवाइड कर दे, यहाँ से ये चले जाएं. लेकिन वो मैंने आपको पहले भी एक जिक्र किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की कि एक ज़माना आएगा जब ये तमाम अकवाम आपके ऊपर ऐसे टूटेंगे. वो उसको खाना खा रहे थे, वो आपको बता ना वो कैसे खाना खाते थे, बीच में एक रख लेते थे, उसमें चावल थे और सब लोग खाना खा रहे थे. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पॉइंट किया कि जैसे आप लोग यू आर ईटिंग दिस, ऐसे ही मुसलमानों के टुकड़े किए जाएंगे और अकवाम आएंगी, दे विल गैदर अगेंस्ट यू लाइक दिस एंड दे विल टेक यू आउट. साहबा परेशान हो गए. साहबा मुत्तकी तरीन लोग थे, साहबा को कहा था ये कैसे हो सकता है कि हम जैसे लोग हों और इस तरह से कुफार हम पे डोमिनेट करें, तो ये कैसे हो सकता है? साहबा जनरली परेशान हो जाया करते थे, उनकी ईमान की निशानी. तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या होगा कि यानी हम इस तरह से इतना नीचे कैसे चले जाएंगे? तो उन्होंने कहा तुम लोग यानी मुसलमानों के दिल में वाहन आ जाएगा. अब दिस इज अ वर्ड दैट दे हैव डिड नॉट हियर बिफोर. वाहन क्या होता है? उन्होंने पूछा रसूल ये वाहन क्या है? तो उन्होंने कहा जीने की तमन्ना करना, इस दुनिया में दिल लगाना और मरने से कराहत करना और आखिरत में अपने रब के सामने खड़े होने से कराहत का इजहार करना, दुनिया में की इसकी रौनकों को एम्ब्रेस करना और मरने से टर्न ऑफ होना, ये है वाहन, दिस इज वाहन. तो रसूल ने वो 400 साल पहले हमें बता दिया था कि वाहन जब आएगा ना तो फिर आप इंजॉय ज्यादा करना चाहोगे, वो चीजें जो आपको मुश्किल में डालती हैं या जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर होती हैं वो आप नया करनी चाहोगे, तो फिर जो कुफार हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो आपको टेक आउट किया करेंगे, पार्ट्स ऑफ यू,
और आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, बिकॉज सारे ही ऐसे ही हैं, ये मेजोरिटी अगर ऐसे हो जाए तो। और तो ये बात, हज़ उमर वाला वाक्य वो किसी और दिन से, वो छोटा सा वाक्य किसी और दिन से।